खोया को एक पैन में डालकर अच्छे से भून लेंगे हम। डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मैदा लेंगे, इसमें थोड़ा सा मोइन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे हम। सबसे पहले तो हम मैदा घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें, आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो आटा हमने गूंथ लिया है और अब हम इसको 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम खोया का तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये इलायची पाउडर मैंने घर में बनाया था और इसको मैंने इसके छिलके नहीं निकाले थे। इसमें चीनी और इलायची मिक्स करके बनाया था। इसमें हम इलायची मिक्स कर दिए और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। खोया में पिसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो भी आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने, अगर आपको इसमें नारियल डालना है तो आप कद्दूकस करके उसको नारियल भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि नारियल से जल्दी ख़राब हो जाती है। और अब हमने एक गुजिया बनाने वाला सांचा लिया है। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी सी लोइयाँ बनाकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ियाँ हम मोटी नहीं बेलेंगे, पतली बेलेंगे। इसी तरह से हम सभी पूड़ियाँ बना लेंगे। और अब हम गुजिया बनाने वाला सांचा लेंगे, बना लिए। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और सूखी मैदा पानी में मिक्स करेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। अब हम गुजिया बनाने वाला सांचा लेंगे, उसमें पूड़ी को रखेंगे और इसके चारों तरफ पानी को लगा देंगे। मैदे वाला जो घोल बनाया था उसको लगाएंगे और इसमें हम खोया को भर देंगे। देखिए हमने इसको बंद कर दिया और हमने अच्छे से गुजिया को बंद, सांचे को बंद कर दिया है चारों तरफ से और दबा दिया है और इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी गुजिया बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है, वो हमने बना लिया है। और कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे और डीप फ्राई सभी गुजिया को कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार हो जाती है। ये बहुत जल्दी बन जाती है, होली में तो ये सभी के घर में बनती है। तो इसी तरह से आप जब भी आपका मन हो तो आप बनाइए और अपने घर में सभी खिलाइए। होली के त्यौहार में तो ये खास तौर पे बनती है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हमारी गुजिया बनके तैयार है और जब भी आप गुजिया को साँचा दबाएँ तो कस के इसको दबा दें जिससे खुल ना पाए साइड से। तो देखिए हमारी गुजिया कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।